है गाइस व्हाट्सअप यार दिस इज फ्रॉम त्रिपुरा। तो गाइस मैं आप लोग लेके फिर से आ गया हूँ बहुत सारे यूट्यूब और दूसरे कम्युनिटी की साइड से अमेजिंग न्यूज। तो आप लोग यार वीडियो का एंड तक जरूर देख। तो चलो स्टार्ट कर देते बिना किसी देरी के। तो अगर फास्ट जो न्यूज आता है वो आता है क्रीम मिनाटी को लेकर। क्रीम मिनाटी का एक नया वीडियो आने वाला है, उसके चैनल पर एक ट्रेलर अभी अपलोड हो चुका है जैसे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। और गाइस ये वीडियो अभी तक यार और गाइस ये वीडियो को अभी तक यार बहुत ही अच्छा सा रेस्पॉन्स मिल रहा है सिर्फ इस ट्रेलर को। 17 हर्स में ये कंप्लीट कर चुका है 10 मिलियन व्यूज। तो बहुत ही अच्छा खासा रेस्पॉन्स है। और जो वीडियो आने वाला है एक्चुअल वीडियो जो मूवी आने वाला है उस वो शायद धमाका होने वाला है। तो देखते हैं आगे। तो इस नेक्स्ट जो न्यूज़ आता है वो आता है टिकटॉक रेटिंग्स को लेकर। आप लोग पता है कुछ दिन पहले 1.2 था लेकिन अभी 1.6 आ गया, ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है। तो इसके ऊपर टेक्निकल गुरुजी और लक्ष्य चौधरी एक्सप्लेन किया है कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो वो क्लिप आप लोग देख लो टिकटॉक की रेटिंग को लेके, जहां पर दोस्तों रेटिंग फिलहाल 1.6 स्टार पे बनी हुई है लेकिन 2 मिलियन और रिव्यूज को डिलीट किया गया है। जहां पे कल का जो स्क्रीनशॉट है दोस्तों आपके सामने है, रेटिंग 1.6 स्टार है और जो रिव्यूज है सामने वो आपको दिख रहे हैं। उससे पहले हालांकि 1.3 हो गई थी और 28 मिलियन रिव्यूज थे, बाद में 27 मिलियन रिव्यूज हुए और रेटिंग 1.6 हो गई। यहां पर दोस्तों जो करंट स्क्रीनशॉट है उसके अंदर आप देखेंगे तो रेटिंग तो 1.6 स्टार पे ही है लेकिन रिव्यूज यहां पे घट के हो गए हैं 25 मिलियन। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सीन है, या तो लोगों ने नए अकाउंट्स बनाए थे सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए तो वो बाद में रिमूव किए जा रहे हैं, खैर जो भी है। लेकिन खुशी की बात ये है कि टिकटॉक लाइट की जो रेटिंग है वो अभी भी पूरी मजबूती से 1.1 स्टार पे ही टिकी हुई है। मतलब इन रेटिंग्स को चेक करने का भी एक, समझ लो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों। भाई टिकटॉक वाले रेटिंग डिलीट कर रहे हैं। देखो यार पहली चीज तो रेटिंग जो डिलीट कर रहा है वो गूगल कर रहा है और ये लगातार कुछ भी एक मतलब ऐसी हवा बना के किसी एप्लीकेशन की आप ऐसे रेटिंग गिरा दोगे, सब गलत रिव्यू दोगे कितनी बड़ी एप्लीकेशन की, तो वो तो वैसे भी गाइडलाइन के अगेंस्ट है गूगल की भी। तो वो इसीलिए रिव्यूज़ और रेटिंग डिलीट कर रहा है पिछली जितनी भी स्पैम में आती है सब चीज़ें। और दूसरी चीज़ यार रेटिंग कम करना और ऐप को जाके गाली बकना मेरे को बहुत बचकानी हरकतें लगती हैं, इसलिए मैंने कहीं पे भी कोई स्टोरी शेयर नहीं की। मैंने कहा नहीं कि यार टिकटॉक को जाके ऐसे करो वैसे करो, टिकटॉक से हमारी लड़ाई ना कभी थी और ना कभी होगी यार, वो इतनी बड़ी कंपनी है भाई, ये बहुत बचकानी हरकतें हैं। वो एक दिन के प्रॉफिट से, सिर्फ एक दिन के प्रॉफिट से वापस इतने पेड रिव्यू खरीद लेगी कि वो 4+ ले जाएगी। तो गाइस नेक्स्ट स्टोरी आता है वो होता है फैजल सिद्दीकी को लेके। आप लोगों को पता है फैजल सिद्दीकी एक एसिड प्रमोट वाला अटैक जो था वीडियो उसको यार प्रमोट कर रहा था, तो इसके लिए उसका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुका है। तो इसके ऊपर इस फैजल सिद्दीकी एक सॉरी वाला वीडियो अपलोड किया जिससे आप लोग देख सकते हो। एक वीडियो अभी वायरल हो चुकी थी जिसकी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। गाइज वो वीडियो थी 14 सेकेंड की और किसी ने उसे क्रॉप करके 9 सेकेंड का करके उसे वायरल कर दिया। स्टार्ट का पार्ट दिखाया ही नहीं जिसमें मैं वो पानी पी रहा था। तो गाइज उसके वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तो गाइज मैं कभी ऐसी गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, ना मैंने कभी ऐसी गलत चीज़ों को प्रमोट किया है। और अगर किसी को भी वो चीज़ों के वजह से हर्ट हुआ हो, मेरी कोई भी बहनों को या सारी लड़कियों को, मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा उन सभीयों से। और गाइज उसके वजह से आज एक गलत चीज़ किसी ने वायरल कर दी, उसके वजह से आज मुझे राबोड़ी पुलिस स्टेशन बुलाया गया और मेरे पे कार्रवाई भी हुई और उसके वजह से गाइज मेरी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम्स हुई। तो गाइज प्लीज़ ऐसे गलत मैसेजेस फॉरवर्ड ना करें और ऐसी गलत बातें बिल्कुल और गाइज आप लोग क्या लगता है उसका जो अकाउंट है वो फिर से आने वाला है फिर नहीं, क्योंकि आप लोग पता है कुछ महीने पहले फैसू का भी अकाउंट जो था वो 6 महीने या फिर 8 महीने के लिए सस्पेंड हो चुका था, तो फिर से आ चुका था। तो शायद ये भी अकाउंट आ सकता है अगर टिकटॉक बैन नहीं होगा तो। गाइस नेक्स्ट जो स्टोरी आता है वो होता है मिस्टर फैसू की तरफ से। मिस्टर फैसू ने आप लोग पता है एक वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे शिलोंग ब्लॉग देके, उस ब्लॉग ने कंप्लीट कर चुका है 20 मिलियन व्यूज। तो इसके ऊपर ही फैसू ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपडेट किया जैसे आप लोग देख सकते हो। इंडिया का मोस्ट डिसलाइक वीडियो भी है, उसके ऊपर भी थोड़ा रिएक्ट कर देता तो अच्छा होता। गाइस यार लास्ट न्यूज आता है वो आता है मुंबई खड़े निखिल को लेकर। मुंबई खड़े निखिल यार फिर से ट्रोल कर रहा है टिकटॉकर्स को जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। नहीं बैन हो जाएगा, बैन हो जाएगा, बैन हो जाएगा। अभी हम लोग टिकटॉक बना रहे हैं तो हर्ष का वीडियो देख के मुझे भी जोश आया। क्या हुआ, चले रेडी? अरे ये क्या कर रही है वो पहले डायलॉग है, अरे देखो स्टार्ट। हां मैं कर रही हूं रेडी, उस हरा में को मिटाना है। हां एक बार अरे क्या चेंज फ्रेम क्यों चेंज किया, फ्रेम क्यों चेंज किया, वो स्लो मोशन में ऐसे कैसे करूंगा मैं? व्हाट इज दिस, स्टार्ट टू एंड सेम थिंग, सो डिफिकल्ट टू मेक यूट्यूब टिकटॉक वीडियोस, डोंट नो।
उस हरामी को हमें मिटाना है, गोली नहीं मारेंगे, गोली नहीं मारेंगे साले को। लेकिन फिर भी हॉट टॉपिक क्या है अभी फिलहाल, YouTube वर्सेस TikTok। इनफैक्ट मैंने कुछ न्यूज़ चैनल देखे जो कि अपने YouTube चैनल में YouTube वर्सेस TikTok कवर कर रहे हैं और उनके जो व्यूज़ हैं वो पर्टिकुलर वीडियो पे वो बाकी गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी कोरोना वायरस केसेस उससे ज़्यादा YouTube वर्सेस TikTok। उस हरामी को हमें मिटाना है, गोली नहीं मारेंगे साले को। अभी आप लोग क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस इतने टच की इस न्यूज पे, तो अभी आप लोग ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोग अच्छा लग गया तो प्लीज जो लाइक का बटन मिलता है उसको दबा के ब्लू कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यार गाइस मैं ऐसी वीडियो हर दिन अपलोड करता रहता हूं, तो प्लीज सब थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना प्लीज। और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन मिलेगा उसको भी, क्योंकि मैं जब भी कुछ नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जय हिंद, वंदे मातरम।